बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के रिव्यू के बारे में। बच्चों, यह रिव्यू की वीडियो बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे कुछ मित्र हैं यूट्यूबर्स जो बहुत बड़े काउंसलर अपने आप को समझते हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि ये कॉलेज टॉप है क्योंकि उनको कुछ प्राइवेसी और कुछ पेड अमाउंट मिल जाती है, तो उस कॉलेज की वो रिव्यू बनाते हैं और उस कॉलेज को बेस्ट एंड बेस्ट बताते हैं। नंबर वन कॉलेज बताने से भी नहीं कतराते हैं और माइक लगाते हैं उन बच्चों के सामने, 5-10 बच्चों को खड़ा कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि कॉलेज कैसा है। अब आप मुझे ये बताओ, उन बच्चों को उसी कॉलेज में रहना है, तो उस कॉलेज में रहना है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्राइवेट कॉलेज की सिचुएशन क्या है। प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप कॉलेज के बारे में कुछ भी निगेटिव बोल दो तो वो एक्शन लेने में थोड़ा भी नहीं कतराते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो। तो कैमरे पर आकर के कोई भी स्टूडेंट आपको सही ओपिनियन नहीं देगा। और रहा बात कॉलेज को नंबर वन बताने के वाले यूट्यूबर्स की, तो उनको अगर 1 लाख और 2 लाख रुपए मिल जाता है तो किसी भी कॉलेज को नंबर वन बताने से नहीं कतराते हैं। ये जो ओपिनियन मैं जिस कॉलेज का मैं देने जा रहा हूँ, ये कॉलेज ने मुझे कोई पेड कोई कंसल्टेशन कुछ भी के लिए कॉन्टेक्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे अंदर से फील आया कि नहीं, मुझे वो जो सच है वो बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग मेरे बातों से एग्री ना करें, बहुत सारे लोग एग्री करें। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक बार आप कॉलेज जाओ, विजिट करो, सारी चीजों को समझो, फिर एडमिशन लो। किसी के कहने पर एडमिशन मत लो, क्योंकि वो यूट्यूबर्स उस चीजों को दिखा रहा है जो सही नहीं है। और जितने भी चीजें उन्होंने दिखाया है उसमें 90% चीजें गलत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारे बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ये जो वीडियो में जो कुछ भी मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये सारा मेरे 12 स्टूडेंट है गुरु गोरखनाथ कॉलेज में। लास्ट ईयर जो 2 बैच है, दोनों बैच में मेरे स्टूडेंट है, टोटल 12। उन 12 बच्चों से मैंने बात किया, उनके स्किल के सारे बच्चों से बात किया। जब मैंने उनको बोला यार तुम कैमरे पर आकर के अपना ओपिनियन दो, तो उन लोगों ने कहा कि सर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि निगेटिव पॉइंट है वो मुझे बताना होगा, पॉजिटिव पॉइंट हमें बताना होगा, और जब निगेटिव पॉइंट हम बोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, मैनेजमेंट हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सर हमको यहीं पे रहना है, हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। जो भी सवाल आपको पूछना है सर मैं आपको बता देता हूँ, आप उसी बिहा पर वीडियो बना दो। तो मैंने उसी बिहा पर इन सारी चीजों को लिखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे। नंबर वन बात करते हैं कॉलेज के फीस से शुरू करता हूँ। 2,65,000 फीस है यूपी में। ऑन एवरेज फीस की बात करें तो ये फीस में बहुत अच्छा मानता हूं मैं। 4 out of 5 मैं इसको फीस के बिहा पर दूंगा। जितनी सुविधा ये कॉलेज देती है उस हिसाब से फीस ठीक है। हॉस्टल फीस आपको 25,000 देनी होगी, ठीक है, पर ईयरली फीस है, यानी 2,000 रुपए के आसपास होगा। एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे रहते हैं? 2 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। मेस फी की बात करें तो आपको 4,200 रुपए पर मंथ आपको मेस की देनी होती है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे गुरु गोरखनाथ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है, ठीक है, उसे आप देख सकते हो। आज तक किसी ने इस कॉलेज को रिव्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये किसी भी काउंसलर को 1 पैसा नहीं देता, तो इसीलिए किसी ने रिव्यू नहीं किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इस वीडियो में मैं इस कॉलेज के नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। लोकेशन की बात करें तो 8 किलोमीटर है गोरखपुर स्टेशन से, लगभग 8 किलोमीटर है, ठीक है, 1-2 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की। कंप्लीट लेक्चर लगता है आपका 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, सारा लेक्चर लगता है। ऑल सब्जेक्ट के एचओडी और रीडर्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज के, यूपी के मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज ही नहीं, पूरे देश के प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ऑन पेपर कोई और फैकल्टी है और पढ़ाने वाले कोई और है, लेकिन गुरु गोरखनाथ में ऐसा नहीं है। जो फैकल्टी वहां पर है वही पढ़ाने आते हैं, वही एचओडी है, वही रीडर है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। ये कॉलेज हालांकि 2 साल पुराना कॉलेज है, 2 ईयर ओल्ड कॉलेज है, लेकिन सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलती है, फैकल्टी की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। अब लैंग्वेज की, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो इसी यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे बताया उस पर मैं बात करूंगा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, क्योंकि आयुर्वेद है तो संस्कृत चलेगी ही, हिंदी लैंग्वेज होती है और इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज यही है वहां की, ठीक है बच्चों। एजुकेशन की ये तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव पॉइंट। अब निगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जितने भी यहाँ के फैकल्टी है वो केरला बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, केरला से आते हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी एक्सप्लेनेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है।
बिहार यूपी के बच्चे आते हैं उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, आप सबको पता है, तो उनको अभी समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट लगा, टीचर हिंदी नहीं बोल पाते उतना अच्छा, जिसके कारण उनको क्या होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, टीचर वहां पर इंग्लिश बोलते हैं, एक्सप्लेनेटर एक्सप्लेनेशन वगैरह इंग्लिश में है, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम हिंदी लैंग्वेज स्टूडेंट को होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट है बच्चों के प्रति, स्ट्रिक्ट है, 75% अटेंडेंस चाहिए, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह जो भी है, इंटरनल टेस्ट वगैरह टाइम पर लेता है, फी ऑन टाइम पर लेता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको बच्चे को नहीं दी जाती है, ठीक है। अब कॉलेज की बात करता हूँ, ठीक है, कॉलेज की अगर बात करें तो 5 out of 5 मैं आपको दूंगा, यहाँ पर मैं आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन में आपको मैं 3.5 out of 5 दूंगा, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आती है तो दिक्कत है, कि कोई कॉलेज है तो समझ तो आनी चाहिए ना, ऐसे ही आयुर्वेद बच्चों को समझ नहीं आती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम नॉर्मल है, डिजिटल क्लासरूम भी है यहाँ पर, व्हाइट बोर्ड भी है, डिजिटल क्लासरूम मतलब प्रोजेक्टर वगैरह भी यहाँ पर कॉलेज में है, एनाटॉमी लैब है जो वर्किंग है, फिजियोलॉजी लैब है, यहाँ पर डाइसेक्शन वगैरह प्रॉपरली होती है, सारे डाइसेक्शन होते हैं, डमी बॉडी वगैरह भी है, बोन सेट वगैरह सारा कुछ है, तो यहाँ पर एनाटॉमी की डाइसेक्शन वगैरह और सारी क्लासेस ऑन टाइम होती है। फिजियोलॉजी लैब की बात करें तो फिजियोलॉजी लैब में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर है, और जितने ब्लड के जो एग्जामिनेशन टेस्ट है और जो यूरिन की टेस्ट है वो सारा कुछ यहाँ पर होती है, और जो पिछले साल के बच्चों का रिव्यू यही है कि सर सारा कुछ होता है। एनाटॉमी डाइसेक्शन में उन लोगों ने बताया कि सर पूरे होल बॉडी डाइसेक्शन हमारा हुआ है, इस साल के जो बच्चे गए हैं उनका चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जो नए बैच है उनका उनका अपर लिम्ब चल गया है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ के हैं वो जरूर कंफर्म करें इस चीज को, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी गलत बोलता हूँ तो कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन ऑनेस्ट बताना, क्योंकि तुम्हारा कॉमेंट होगा मैं वहां पर उस बच्चे से पूछ लूंगा कि ये बच्चा तुम्हारे कॉलेज का है या नहीं है, कुछ यूट्यूबर के बहकावे में आकर के मत कॉमेंट करना, ठीक है। अब हम बात करते कॉलेज के लिए, जो अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज है वहां पर होती है, सारी चीजें होती है, चाहे आपका डांसिंग सिंगिंग वगैरह जो भी कॉलेज की प्रोग्राम है सारा प्रोग्राम इस कॉलेज में होती है, फ्रेशर पार्टी फेयरवेल और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह सारा कुछ है इस कॉलेज में, तो ये सारा चीज इस कॉलेज में है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल, और एक कॉलेज धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजियोलॉजी का सारा कुछ होता है, 4.5 out of 5 दूंगा, एनाटॉमी का भी 4.5 out of 5 दूंगा, ठीक है। द्रव्य गुना आरएसबी के और आरएन की लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है, स्टूडेंट अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। अब हॉस्पिटल की बात करें तो सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल है, ओपीडी रेगुलर की बात करें तो 40 से 50 ओपीडी रेगुलर है, ठीक है। आईपीडी जो है वैरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, लेकिन केरल से जो डॉक्टर्स हैं तो इससे क्या बेनिफिट पॉइंट है कि वो आयुर्वेद को ज्यादा फोकस करते हैं, सर्जरी यहाँ पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ईएनटी वगैरह सारा कुछ चल रही है, इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ पर स्टार्ट हो, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जो यहाँ पर हॉस्पिटल का जो निगेटिव पॉइंट है। और हॉस्पिटल का दूसरा निगेटिव पॉइंट है एलोपैथी मेडिकेशन, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो एलोपैथी यूज की जाती है, जो यहाँ की निगेटिव पॉइंट है। हालांकि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है इस कॉलेज की, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है कि जो पंचकर्मा वगैरह डिपार्टमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हो सकता है सोसाइटी के रीजन की वजह से, पेशेंट के रीजन की वजह से जो एलोपैथिक मेडिसिन यहाँ पर ज्यादा यूज की जाती है आयुर्वेद के कंपेरिजन में। आयुर्वेदिक मेडिसिन 20% के अराउंड यूज किया जाती है और एलोपैथी मेडिसिन 80% के अराउंड यूज की जाती है, टिल नाउ अभी तक जो फीडबैक हमारे पास आया। पीजी इस कॉलेज में नहीं है, ये भी एक यहाँ इस कॉलेज का निगेटिव पॉइंट है, लेकिन नई कॉलेज है तो पीजी यहाँ पर आ जाएगी। हॉस्टल की बात करें तो कॉलेज कैंपस में गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा हॉस्टल है, हॉस्टल की रूम मैंने देखा है, वीडियो कॉल पे बच्चों ने मुझे दिखाया है, काफी साफ सुथरा है और साफ सफाई से लेकर के सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत अच्छे से रखा गया और एक रूम में दो बच्चे रहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज हॉस्टल हो, ठीक है। कैंपस बहुत अच्छा है, साफ सफाई से लेकर के हर चीज और लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस कॉलेज को मैं 4 out of 5 दूंगा हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से। कट ऑफ की बात करें तो 320+ के अराउंड पे अगर स्कोर है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ओवरऑल कॉलेज रेटिंग की बात करें तो 4 out of 5 मैं दूंगा, और यूपी का नंबर वन कॉलेज बताने में मुझे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीट काउंसलिंग जब होती है यूपी की तो सबसे पहला नंबर पे ये बच्चों की च्वाइस रहती है कॉलेज, ठीक है बच्चों। ये था मेरा ओनेस्ट ओपिनियन, बच्चों के
जो फीडबैक के बिहाफ पर आपको कैसा लगा ये ओपिनियन। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक बार कॉलेज जरूर विजिट करो, एक बार पूरे कैंपस को भापो, सारी चीजों को समझो, फिर एडमिशन लो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9155225292, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे सारी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।